नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। स्कॉर्पियो में निकले, वो चादरगढ़ ब्रिज से इस तरफ आ रहे थे, रंगमहल तरफ आ रहे थे। वो लोग बंजारहिल्स जाने वाले थे। 7:30 PM को वो लोग साहिबाबाद टेम्पल पार होके उधर झोपड़े थे, वो लोग जा रहे थे। सडन पीछे से एक आदमी उनका स्कॉर्पियो को गाड़ी के पीछे से डैमेज करे। सडन वो लोग क्या हुआ देखने के लिए रोके गाड़ी को। इतने में वो लोग नो एक आदमी, वो हाथ में चाकू है, वो ड्राइवर सीट में जो बैठा है गाजी हुसैन, उनको चाकू से मारे और राइट शोल्डर को पीछे से इंजरी हुआ। इमीडिएट थोड़ा वो लोग स्कॉर्पियो से आगे निकल के बच गए और उनका कंप्लेंट के ऊपर 307 बुक करके गाजी हुसैन को हॉस्पिटल को भेजे। अभी उन्हों उतना प्रॉब्लम नहीं है। और जो बंदा अमर सिंह जो चाकू से मारा, अमर सिंह नांदेड़ का है, इन्हों अभी कस्टडी लिए और इनका वेरीफाई कर रहे हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई कर रहे हैं। ये अमर सिंह उधर फुटपाथ पे चिड़ी बुड़ी बेचने वाले हैं और उनका वाइफ भी बच्चे भी पीछे गली में रह रहे, उन्हें पी लेके है, नशे में करे, फिर भी उनका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई कर रहे। 307 में FIR बुक करे और अभी आदमी कस्टडी में है। ये सिर्फ गाजी हुसैन को मारा या किसी और लोग को भी मारा, और कितने आदमी कितने गाड़ी? गाजी हुसैन को मारा, अकेला गाड़ी हुसैन को इंजरी पड़ा और ये स्कॉर्पियो और सामने का और एक पहले गाड़ी गया, वो गाड़ी भी डैमेज हुआ, ये नशे के इसमें हुआ। फिर भी चाकू यूज़ करके बहुत इंसिडेंट होने वाला था, बच गए, इमीडिएट कस्टडी में लिए, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा भाई, भाई पीछे आओ, भाई पीछे आओ, बड़े आप कैमरा के नौनिहालों की तालीम और तरबियत के लिए हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल हजरत मौलाना नईमुद्दीन हुसामी की निगरानी में चलाए जाने वाला हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल दाखिलों का आगाज हो चुका है। मुलाकात करें करस्पॉन्डेंट मोहम्मद जईमुद्दीन हुसामी, हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल या खुद पूरा